हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू एनालिटिक्स जॉब्स। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक न्यू कोर्स रिव्यू वीडियो, वो भी प्रैक्सिस के पीजीबी प्रोग्रामिंग डेटा साइंस के ऊपर। सो आई एम नितिन फ्रॉम एनालिटिक्स जॉब्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको देता है जेन्युइन रिव्यूज इन द डोमेन ऑफ डेटा साइंस, फुल स्टैक डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, कोडिंग एंड मैनी मोर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना, जैसे आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें। तो चलिए बात करते हैं प्रैक्सिस के बारे में। प्रैक्सिस बिजनेस स्कूल की शुरुआत 2007 में चरणप्रीत सिंह के द्वारा हुई थी और उन्होंने अपना पहला ब्रांच बैंगलोर में, दूसरा ब्रांच कोलकाता में खोला। तो चलिए बात करते हैं इस प्रोग्राम के फीचर्स की। तो इस प्रोग्राम की टोटल ड्यूरेशन है 9 महीने की और इस प्रोग्राम में आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि इस प्रोग्राम को या तो आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, दोनों में से किसी भी तरीके से सीख सकते हैं। और ये प्रोग्राम सिखाता है आपको कटिंग एज टूल्स और टेक्नोलॉजी, जिससे आप एनालाइज कर सकते हो बिग डेटा को इन तीन तरीकों से। और साथ ही साथ ये प्रोग्राम आपको सिखाता है स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग। लेक्चर्स, केस स्टडीज, लैब्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, इन सभी को मिला के इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन 550 से भी ज़्यादा घंटों का है। इस प्रोग्राम में आपको पाइथन, आर, सेस, टैबल जैसे टूल्स सिखाए जाते हैं और साथ ही साथ आपको कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स भी करवाए जाते हैं, वो भी रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम्स के ऊपर। और इसके साथ आपको मिलता है प्रैक्सिस ग्लोबल एलुमनाई नेटवर्क का मेंबरशिप वंस यू इनरोल इन दिस प्रोग्राम। इनके प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, विप्रो, टाटा IQ एटसेट्रा। इस कोर्स में इनरोल करने के लिए आपको चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स इन योर 10th, 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, प्लस यू शुड बी अ ग्रेजुएट इन BE, BTech एंड BSc विथ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। और अगर आपने किसी और स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की है तो यू शुड हैव मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। इन पोस्ट ग्रेजुएशन यू शुड हैव ME, MTech, MBA, PGDM, MSc विद इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। उफ, इतना सब कुछ। तो आते हैं सिलेबस पर। सिलेबस के लिए मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस की वेबसाइट पर लेके आ गया। यहाँ आप देख सकते हो कि काफी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन इसके सिलेबस को बताने के लिए मेरे को ब्रोशर डाउनलोड करना पड़ेगा और टाइम बचाने के लिए मैं आपके लिए कर भी चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो इनके ब्रोशर में इन्होंने काफी सारी चीजें दे रखी है, तो आप खुद भी जाके इनके वेबसाइट से ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो। मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां जाकर आप सिलेबस को चेकआउट कर सकते हो। बेसिकली उन्होंने क्या करा हुआ है, अपने सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ट्राइमेस्टर 1, 2 एंड 3। ट्राइमेस्टर 1 में ये करवा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग जैसे चीजें आपको यहाँ पर ट्राइमेस्टर 1 में देखने को मिलती हैं, सीखने को मिलती है। ट्राइमेस्टर 2 में आपका आ गया, ट्राइमेस्टर 2 में यहाँ पर आपको मिलती है एडवांस मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोमेट्रिक्स, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग जैसी चीजें। और ट्राइमेस्टर 3 में आप सीखते हो फंडामेंटल्स ऑफ डीप लर्निंग, जो थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है। डीप लर्निंग थोड़े एडवांस लेवल की चीजें हैं जो आपको ट्राइमेस्टर 3 में सिखाई जाती हैं। अप्लाइड AI एंड मॉडल इंटरसेप्शन, डेटा इंजीनियरिंग एंड मॉडल डिप्लॉयमेंट जैसी चीजें। उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने जो सिलेबस है उसको ट्राइमेस्टर में बांट रखा है, तो हम नॉर्मल भाषा में इसको बोलते हैं मॉड्यूल। तो मॉड्यूल जो है यहाँ पर इन्होंने 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला है बेसिक्स, दूसरा है थोड़ा एडवांस और तीसरा है हमारा हाई लेवल का। तो अगर आपको बेसिक से सीखना है, बिल्कुल बिगिनिंग से सीखना है, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत बेस्ट है। आप इसमें इनरोल कर सकते हो और चेकआउट करने के लिए मैं लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो चलो चलते हैं अब रिव्यू सेक्शन पर। तो अब आते हैं इसके रिव्यू सेक्शन पर। तो रिव्यू बताने के लिए मैंने आपके लिए 4-5 अलग अलग वेबसाइट को चूज किया हुआ था, लेकिन जो भी रेटिंग वाली वेबसाइट है जहाँ पे हम रेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, स्टार्स को अप्लाई कर सकते हैं कि 1 स्टार किसने दिया है, 2 स्टार किसने दिया है, वहां इनके रिव्यूज ही नहीं है, वहां प्रैक्सिस के इस कोर्स के रिव्यूज ही नहीं है। तो सिर्फ मुझे 2 ही वेबसाइट पर इसके रिव्यूज मिले, एक तो कोरा पर और एक दूसरा हमारी खुद की वेबसाइट है एनालिटिक जॉब, उसके ऊपर। तो सबसे पहले चलते हैं कोरा के रिव्यूज पढ़ने के लिए। तो ये हम आगे कोरा पर देखते हैं लोगों ने कोरा पर क्या रिव्यूज दिए हैं। अब कोरा के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ गुड इज प्रैक्सिस बिजनेस स्कूल फॉर डेटा साइंस। तो कृष्ण मुखर्जी है वो बताते हैं कि प्लेसमेंट्स आर प्रीटी गुड, द करिकुलम इज डिमांडिंग और 1 साल का कोर्स है ये। बेसिकली उन्होंने भी बताया हुआ, हमने भी बताया था आपको कि 9 महीने का कोर्स है, लगभग 1 साल ही हो जाता है क्योंकि आप थोड़ा सीखते हो, अप्लाई करते हो। और ये बोल रहे हैं कि जो नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है वो उन्होंने देखा है कि वो स्ट्रगल करते हैं इस कोर्स के अंदर, क्योंकि थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये डेटा साइंस के ऊपर कोर्स है, यहाँ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टूल जैसी चीजें सिखाई जाती है, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज ऑलरेडी होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो डेट्स ऑल, यही उन्होंने बताया कि आप बैकग्राउंड, अगर आपका कोडिंग बैकग्राउंड है तो आपको थोड़ा इजी होता है कोर्स सीखने के लिए। दूसरा रिव्यू पढ़ लेते हैं एक बार, ये कंपैरिजन रिव्यू है, ये हमारे काम का नहीं है। हाउ इज प्रैक्सिस कोलकाता फॉर डेटा साइंस। बेसिकली क्या, 2 ब्रांच है इनकी, एक बैंगलोर में है, दूसरा कोलकाता में है। तो
इसके ऊपर भी कंपैरिजन चल रहा है कि कोलकाता की ब्रांच ज्यादा इजी है, क्योंकि इन्होंने ऑफलाइन मोड में भी अपने स्टूडेंट्स को ऑफर किया हुआ कि वो ऑफलाइन मोड में भी जाकर पढ़ सकते हैं, स्कूल में इन्होंने बना रखा है उसमें। तो कौन सा ज्यादा बेस्ट है, कोलकाता का कि बैंगलोर का? द गोल ऑफ एवरी कॉलेज इज टू हैव अ गुड प्लेसमेंट रेट एंड प्रैक्सिस इज वन ऑफ देम। तो करिश्मा जी का ये रिव्यू वो बताती है कि इनके दोनों ही जो स्कूल है, ये बिजनेस स्कूल प्रैक्सिस के, वो दोनों ही बेस्ट हैं, बैंगलोर का भी और कोलकाता का भी। तो आप किसी में भी जाकर पढ़ सकते हैं। एक चीज इन्होंने बोली है कि इनकी फी थोड़ी ज्यादा है, तो अगर आप अच्छे घर से आते हैं आप फी अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ की, तो आराम से यहाँ के करिकुलम अच्छे हैं, टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनको नॉलेज है इसके रिगार्डिंग, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है। बस खाली फीस की थोड़ी ज्यादा है, बाकी ओवरऑल जो इनकी गिविंग है वो काफी अच्छी है। एक अंजलि रॉय का रिव्यू पढ़ लेते हैं। How is Praxis Business School Data Science course in terms of placement? Placement के हिसाब से ये course कैसा है? तो ये बता रही हैं कि yes, this placement scenario in Praxis Business School for Data Science program is really good. और नीचे उन्होंने इसके features भी बता रखे हैं। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग paid promotions भी करते हैं, कंपनी खुद ही पैसे देती है अपने employees को कि वो इनके course के regarding reviews डाले, ऐसे जो review के जो websites होते हैं ना जहाँ पर लोग check करते हैं आगे reviews की reviews कैसे हैं, तो ये पेड रिव्यू है तो देखकर ही पता लगा, क्योंकि इन्होंने फीचर्स बता रखे हैं इनके, हाईलाइट भी कर रखे हैं हाईलाइट, और आप खुद देख सकते हो, मैं आपको स्क्रॉल करके भी दिखा देता हूँ कि इसके नीचे रिव्यूज है नहीं, इसके किसी ने आंसर से नहीं करे, खाली क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो कोरा के ऊपर सिर्फ इतने ही रिव्यूज थे। तो चलते हैं अब हमारी खुद की जो वेबसाइट है एनालिटिक जॉब्स के ऊपर। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि एनालिटिक जॉब्स के ऊपर पेड और प्रमोशनल रिव्यूज नहीं होते, जो भी रिव्यूज होते हैं वो जेन्युइन ऑथेंटिक रिव्यूज होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी रिव्यूज मिलेंगे वो कंपनी के थ्रू नहीं करवाए गए, जो भी लोग इसमें इनरोल थे, जो उनके एलुमनाई थे, उन्होंने आकर खुद ही रिव्यूज लिखे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, समवन शेयर प्रैक्टिस रिव्यू ऑफ द डेटा साइंस कोर्स। तो चार लोगों ने इसका आंसर लिखा हुआ है। पहला है हमारा बर्नाली दास का, इनका रिव्यू एक बार देख लेते, काफी लंबा रिव्यू लिखा है, तो मैं आपको कंसाइज करके बता देता हूँ इनका रिव्यू। तो बर्नाली दास बोलती है कि यहाँ आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस नहीं मिल रहा, फी बहुत बहुत ज्यादा है, और जो इनका करिकुलम है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, इसमें जो सिखाया जा रहा है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं सिखाया जाता, बेसिक सिखाया जाता है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल होता है। तो आप इतने ज्यादा पैसे फूक कर आते हो, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, और आपको इतने ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं मिलती इनके फी के हिसाब से, तो एक खुश नहीं है इस कोर्स से। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे रिव्यूज है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद जाएं और ये रिव्यूज पढ़ें और एक वाइज डिसीजन लें अपनी लाइफ के लिए, और आपकी इस रिसर्च को इजी करने के लिए जो भी मैं आपको रिव्यूज बता रहा हूँ कोरा और एनालिटिक जॉब्स के, मैं इनके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो आपको भी इजी रहेगा ये रिव्यूज पढ़ने के लिए। इस कोर्स के साथ मिलती है आपको कैंपस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये आपको जॉब गारंटी तो नहीं देता, लेकिन प्रैक्टिस प्लेसमेंट प्रोग्राम के साथ 80 से ज्यादा कंपनीज भाग लेती हैं, जिसमें आपको इनफ अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है इंटरव्यू की, तो आप इंटरव्यू क्रैक करके अपनी जॉब ले सकते हैं। इनके एल्यूमिनाई की एवरेज सैलरी हाइक है 108% और एवरेज सीटीसी है 12.3 लाख पर एनम। वेल इट इज टू मच टू से, और एनालिटिक्स जॉब्स इस ग्राफ को वेरीफाई नहीं करता। तो चलिए बात करते हैं इस कोर्स के फीस की। तो इस कोर्स की टोटल फी है 6,05,300 प्लस GST। तो चलिए अब आता है कंक्लूजन पर। तो मैं सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ों की बात करता हूँ। तो यहाँ आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को सीखने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ कैंपस प्लेसमेंट मिलती है, और 500 से ज़्यादा घंटे की क्लासेस मिलती हैं यहाँ पर आपको। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है इस कोर्स की, यहाँ आपको ऑफलाइन में पढ़ने का मौका मिलता है, जो बाकी सारे इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करा पाते। अब आता है नेगेटिव पॉइंट्स पर। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस कोर्स की फ़ी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमने अभी देखा। और दूसरा, ये आपको कोई प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करते, इंटर्नशिप नहीं है, कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो इनकी जो आस्किंग है उसके हिसाब से इनकी प्रोवाइडिंग बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।